अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी किया है नाश्ता। इधर है चीज ऑमलेट, ऑमलेट हाफ फ्राई, हाफ फ्राई मुझे इतना पसंद नहीं है। इधर है जैम और ब्रेड है, फ्राई भी है, मतलब घी में की हुई भी है और सादा भी है। और साथ इधर है लबन, लबन यानी लस्सी। तो भी अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है मैंने तो कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मेहंदी हो गई, बारात हो गई, आज है वलीमा। और वलीमा जो है ना वो रात को होने वाला, और टाउन में ही हमने मैरिज हॉल बुक करवाया हुआ है। तो सुकून से भाई सब जाएंगे। मैं तो धूप में ना लेट के ना सोने लगा हूँ थोड़ी देर के लिए। नींद जो है ना शादी के दिनों में पूरी होती नहीं है भाई साहब, और जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना तो मुझे बेचैनी सी होती रहती है, और दूसरा मैं सही से आंखें भी नहीं खोल सकता, मेरी आंखें ऐसे ही रहती हैं। ये मैं नशा किया था मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गाड़ी में अपना सामान रख लिया है। इस बैग में मेरी चीजें हैं और ये शूज आ गए, और इसे किया बंद। थैंक यू सो मच जुआनो, तो ही तैयार ए ना कम कर रहे हो, मैं कुर्बान तोड़े दूं। आज है जी मेरा वलीमा, और सब जो है ना आहिस्ता रेडी हो रहे हैं, लेकिन दुल्हा सबसे पहले रेडी है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी महफूज भाई, ला वला ला वला। आज जुआनो का ड्रेस जो है ना ये है ग्रे ग्रे, और मेरा ये होने वाला है, मैंने वाइफ के साथ मैचिंग की है। कौन है आप लोग? देखे देखे लग रहे हो तो। कौन है आप लोग? इधर भाई आए हुए हैं, गाने पे गाना चल रहा है जी। इधर अभी थोड़ी देर में मुबारक भाई लोग जो है ना वो ढोल लेके आने वाले हैं, वलीमे पे भी ढोल चलेगा। आपने मुझे बता दिया वो सरप्राइज कैसे ढोल आने वाला, कोई सरप्राइज नहीं है। सोशल मीडिया का सरप्राइज छुपा नहीं रहता, सरप्राइज तो मर गया। हाँ जी हाँ जी, सबको आप सबको पता, लेकिन आपने ऐसा ही कहना है कि यार वाह हमें नहीं पता था। सही है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि बताना नहीं या सरप्राइज है, उन्होंने कहा था हमने आना है, बस ये बात हुई, डोल लेके आना है। ओके, तो आप लोग इधर हैं, आपको नहीं पता वो आ रहे हैं। सही है, हम नहीं चाहते उनका यार सरप्राइज खराब हो। मैं डाले में हूँ, वो जब इधर शुरू कर देंगे ना मैं पीछे से आऊंगा। और ये दो कोस्टर्स आ चुकी हैं और मुख्तलिफ गाड़ियां ताकि एंट्री पानी है, लेकिन जल्दी ना फिर तुम निकले, मैं थोड़ा इंतजार करवाऊंगा। ओके, अनलॉक कर दे मैं, डाले अनलॉक हो गए। ओयो जी तू उधर आके दस्यो मेनू। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुकरम, लाओ ना चश्मा तो लगाओ ना साहब। ओए होए 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 होए, ये वलीमे वाले दिन हो ना, नसर आ गया रात वाले दिन हो ना जी, कपड़े भी साडे होने हैं तुसीं वेख सकदे भाई। बाकी अभी मैं डाले में आके बैठ गया हुआ हूं, और डाला जो है ना कुछ अंदर से इस तरह का है। पहले मेरा दिल था हैवल की जगह ये डाला लेने का, लेकिन कंफर्ट को देखते हुए, फीचर्स को देखते हुए ना हैवल का लेवल है। ये भी अच्छा है, इसका जरा टोर है, इसका जरा रोब है। हैवल जो है वो जरा नाइस कार है, तो इसलिए मैंने वो चूज की थी। और कहते हैं कि इसकी जो बैक सीट्स होती है ना वो इतनी कंफर्टेबल होती नहीं है। ढोल वाले तो आ गए और धड़ाधड़ शुरू है, वो काफी पीछे से शुरू हो गए थे, तो जैसे इधर आते हैं ना इस जगह पे, फिर निकलूंगा मैं बाहर। और मेरी वाइफ जो है वो पार्लर गई हुई हैं, थोड़ी देर में वो आएंगी, और ये काम खत्म होगा ना, मतलब ये ढोल ढमक्के वाला, फिर मैं उनको अपने साथ लूंगा। और फोटो शूट के लिए जाना है जंगल में, वहां पे फोटो शूट होगा, देन फिर मतलब फिर हम जाएंगे मैरिज हॉल। घर वाले पहले ही चले जाएं, कोई मसला नहीं है। और ये शाम का जो काम बना था ना मैरिज हॉल में, कि शाम की ही बस अपॉइंटमेंट मिली थी हमें, ये बड़ा जबरदस्त हुआ भाई साहब। अगर दिन की होती ना 12-1 बजे की, तो बहुत बुरा हो जाना था। और मैं 2-2.5 घंटे सोया हूँ, लेकिन नींद है कि पूरा होने का नाम नहीं ले रही। पिछले कितनी रातों से भाई साहब ये कर लो वो कर लो, दिनों में भाग लो, ये ले आओ वो ले आओ, तो थकावट जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और मुझे तबीयत खराब होती हुई अपनी नजर आ रही है। तो ये हिसाब है, ढोल वाले आहिस्ता आहिस्ता पास आते जा रहे हैं। क्या सिचुएशन है? मैं अपने लड़के गाड़ी करके आता हूं ना। आप मोबाइल पकड़े मेरा, मैं जा रहा हूं गाड़ी की दूसरी तरफ। इस साइड से, इस साइड इधर से, इधर से, वो सारे सब के मुंह साइड पे।
नालैन भाई इधर नहीं है वो होते ना उन्होंने डांस करके दिखा रहा था। सनसेट हो रहा है और अभी हम फोटो शूट करवाने के लिए आए हैं। ये हमारा खेत है फिलहाल इसहाक भाई के अंडर है और यहाँ पे फोटो शूट होगा बाहर ही। फिलहाल जंगल में भी जाने का प्लान है लेकिन रास्ता इतना गंदा है ना सकलैन भाई, इतनी मेहनत से गाड़ी धुलवा के लेके आए थे तो देखें क्या हालत हो गई है गाड़ी की यार। बट चलो कोई नहीं, आगे रोज रोज होंगे गड्डी तो चलेगी, सवेरे फोटो शूट भी करवाना है ना। फोटो शूट खत्म करने के बाद अभी हम रवा दवा हैं मार्की की तरफ और चलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सब पहुँच गए हुए हैं, मैं एंड पे हूँ लेकिन भाई साहब साढ़े जान वाली महफल सजनी है तो हूँ पहुँच ही होते छेती छेती जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम पहुँच चुके हैं मार्की, सब लोग आगे हुए हैं, सारी गाड़ियाँ बसेस खड़ी हैं और हम उतरेंगे बिल्कुल सामने जाके, गाड़ी जो है वो स्क्लैन सेट कर लेगा। अब मेरे वास्ते की कीता बासर का आते जे जालमो है की करता जे, ये दूसरी शादी वाले हैं तुम्हारी मैंने मोहब्बत कर दियो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दूसरी शादी वाले मतलब दूसरी इवेंट वाले ने जवान इनको पता चला कि मैं आ रहा हूँ तो भाई साहब बस रुको आगे बैठे हुए हैं बच्चे के जैन से मिलने। थैंक यू सो मच। स्लो 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 भाई रुके, स्लो स्लो भाई 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 भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ना मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। औरत कोई नहीं आनी चाहिए कहीं भी, कोई भी किसी भी फैमिली की औरत कैमरे में ना आए, बस ये रिक्वेस्ट है। हमारी वीडियो जिस तरह आप बनाना चाहते हैं कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी फोटोज वीडियोज इतनी बनाई है ना कि अभी मैं थक चुका हूँ। ओए होए होए हो, ऐसे ही मुझे लग रहा था जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कोई इधर से आ रहा है कोई उधर से आ रहा है। जितने मेहमानों से हो सका है मैंने कोशिश की है मिलने की और अभी मैं सच बताऊँ तो मैं थक गया हूँ। ए हूँ मेरी सीट है जवाद भाई तो महफूज भाई उन्होंने बेच इतने मैं जाके बह लगा हूँ साइन है उतरन गल कोई नहीं ठाल दूँ दोनों जना माशाल्लाह इसने ना बहुत लड़कों पे ये प्रैंक करने की मतलब ख्वाहिश थी इसकी और आखिरकार मुझ पे इसने प्रैंक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे पहले पता था ये सकलैन ही है। आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता, नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता आया था, इनको भी एनु भी अच्छे आके दसया है कल्ला भाई का देना छपला है लेकिन तू ही दसया क्यों नहीं, इन्हें भी नहीं पता तेरे जैसा की दला है। सबको पता होना चाहिए था, टीम वर्क होता ना फिर ये कुछ होता, टीम वर्क चाहिए थी। दादा भाई इधर देखे देखा जवान ने बुर्का पहना था और अभी बुर्का उतार रहा है। मिस कर गए हो मेरे ज़हन च आई गया वैसे तो लेकिन अभी कार चढ़या सर कार के दस यार लेवल कर गए यार। मैं और महफूज भाई अभी स्टेज पे बैठे हुए हैं, बाकी सब जो हैं मेहमान जो आ रहे हैं पीछे से उनका वेलकम करने के लिए बाहर गए हैं और मैं महफूज भाई को बता रहा था यूके से तो महफूज भाई लोग आए हुए हैं, जेट लैग में मैं हूँ। ये बहुत थका देने वाला काम होता है, कोई इधर को खींच रहा है कि मेरे साथ तस्वीर, कोई खींच रहा है कि वीडियो मेरे साथ, और इतने लोगों में कुछ लोग फिर रह भी जाते हैं, जो रह जाते हैं ना फिर वो गुस्सा कर जाते हैं, अगले की भी मजबूरी समझनी चाहिए, कोई नहीं समझ आ रही होती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्त भाई अपने मेरी पूरी खिदमत कर रहे हैं माशाल्लाह, जे इंदी करोगे इंदी करवा लोगे। ये फैसलाबाद वाले भाई आए हैं फैसलाबाद से माशाल्लाह। राणा साहब थके नहीं तुम? ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
बंदे आए नी असल फोटो वाले अगे अस तू उत्ते हन आदम नाइशा आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू सो मच ओके अल्हम्दुलिल्लाह जी वलीमा हो गया ख़त्म शादी भी हो गई ख़त्म और रस्म होती है जी कि दुल्हा जाता है ससुराल वालों के घर तो शादी के बाद अपने ससुराल पहली दफ़ा पहुंच चुका हूं मैं अभी बस थोड़ी देर में घर पहुंचूंगा और जो खुद घर वाले हैं वो घर नहीं है जाके बूए आपे खोलने पड़े हैं इधर से होना है ना राइट ऐसे ही है ना